एवरी वन वेलकम टू आर चैनल विंग्स ए कुरान गाइज हमने आपके साथ जो ये सीरीज स्टार्ट की हुई है सुपरवाइजर कोर्स के रिलेटेड थैंक यू सो मच आप हमारे व्यूज देख रहे हैं आप लेक्चर्स देख रहे हैं प्लस वी वॉन्ट टू मेक श्योर की हम आपके साथ ऐसे ही काम करते रहे और जितने भी uh, इस यूनिट स्पेशली के रिलेटेड एंड uh, हम लोग जो मैंने आपको साथ साथ बताया है कि हम लोग यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से आपका चल रहे हैं ये देखिए ये यूनिट थ्री है आपका यूनिट थ्री के मैंने आपके साथ लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं बिकॉज ये बहुत कम लोग इसको डील कर रहे हैं एंड बहुत कम नॉलेज है रादर मार्केट में या यू नो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड बहुत कम इसके रिलेटेड बात की गई है सो दैट वॉज अ मोटिव बिहाइंड कि मैं इस यूनिट से स्टार्ट करूँ वी विल ऑफकोर्स ट्राई टू कवर एज मनी यूनिट्स विद यू एज वी कैन ऑल्सो आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट था ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट इन एवोल्यूशन ये मैंने आपके साथ कल कर दिया था आई फिनिश दिस लेक्चर ये हमारी लेक्चर सीरीज में आपको मिलेगा टूडे आज मैं आपके साथ करूंगी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के रिलेटेड ऐसे ही नेक्स्ट थ्री फोर फाइव जो हमारे टॉपिक्स है सबसिक्वेंट डेज में हो जाएंगे नाउ बिफोर वी मूव अहेड जस्ट अ क्विक अपडेट हमारे बहुत ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में क्लासेस चल रही है गाइड्स हमारा सुपरवाइजर का कोर्स हमारा जो ऑफलाइन है कैनाल रोड सेंटर पे अवेलेबल है यहाँ पे आपके पास नीचे देख सकते हैं यू हैव द कॉन्टैक्ट नंबर हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं दीज आर ऑल्सो बिंग अपडेटेड ये बहुत अपडेटेड आपको रि uh, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे मिल रहे हैं जो रोज़ डेली बेसिस पे अपडेट हो रही है पूरा ऐप में विद ऑल पी डी एफ्स एवरीथिंग विल बी अवेलेबल सो यू कैन बाय द कोर्स फ्रॉम अवर ऐप विंग्स ए कुरान ये यहाँ पे लोगो है ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए और या आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं सो गाइज लेट स्टार्ट आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दिस डील्स विद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काफी बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि uh, Uh, क्योंकि ये जो यू हम जो यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस कब बना है 1945 में इसका ब्रीफ क्या था जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई थी इतनी तबाही हुई थी वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू से उसके बाद वेस्टर्न नेशंस स्पेशली जैसे अगर हम देखेंगे यूएस यू के फ्रांस ऑल दीज कंट्रीज़ ऑफकोर्स इंडिया का भी योगदान था दे डिसाइडेड कि एक ऑर्गेनाइजेशन रहनी चाहिए जहाँ पे Uh, जहाँ पे ऐसे यू uh, नो you know, एक आइडिया आ जाए ये देखिए यूएन जनरल असेंबली का फोटो आपको मैंने दिखाई हुई है आपने फोटो देखी होगी काफ़ी बार या वीडियोज़ देखी होगी जैसे uh, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पे बैठ के स्पीच देते हैं यहाँ पे यू नो डेलिब्रेशन्स डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होती है सो so, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी गई है जिस जहाँ पे दे मेक श्योर की वर्ल्ड के इशूज़ को डील किया जाए यू का मेन लॉजिक था इस्टेब्लिशमेंट uh, की फ्यूचर वॉर्स प्रिवेंट कर सके बट विद टाइम हमने देखा है वॉर्स कीप ऑन हैपनिंग वॉर्स रुकी नहीं है हमारी वर्ल्ड uh, में <coughs> अब क्विक अपडेट ऑफ कोर्स एडोप्टेड कब हुआ था ये 48 में मेन फोकस करता है राइट्स एंड फ्रीडम्स राइट्स एंड फ्रीडम एक एक इंसान एक एक इंसान जो वर्ल्ड का है उसके लिए ये जो यू है फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है इसका यूज़ कर लेती हूँ मैं आगे भी ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती रहूँगी कम से कम 500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस पे ये ट्रांसलेट हो चुकी है इसका मोटिव क्या है अगर कोई चीज़ ज़्यादा ट्रांसलेटेड है कि उसकी जो नॉलेज है वो हम जितना स्प्रेड कर सकें उतना बेटर है लोगों को अपना जो उनका अधिकार है उनके जो फ्रीडम ओरिएंटेड है यू नो परस्पेक्टिव है राइट्स है वो उनको पता होनी चाहिए सो लेट्स स्टार्ट मैंने इसमें शॉर्ट uh, तरीके से आपके लिए रखा हुआ है सो so दैट ऐसे क्विक जिसको कहते हैं हेडिंग्स आपको याद रहेगी एंड दिस इज हाउ यू विल रिमेम्बर इट एंड ट्रस्ट मी ऐसे ही तरीके से याद रहेगा <coughs> अब आर्टिकल वन इक्वालिटी की बात करता है ऑफ कोर्स ऑल ह्यूमंस आर बोर्न फ्री एंड उनका क्या है जो फ्री है कोर्स उन सब की इक्वल डिग्निटी रहती है और उनके इक्वल राइट्स रहते हैं सो so, यहाँ पे हम बात करते हैं डिग्निटी एक मैंने आपको कल भी जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स की डिग्निफाइड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो सबकी इक्वल डिग्निटी है वो चाहे एक सफाई कर्मचारी हो एक टीचर हो एक लॉयर हो एक डॉक्टर हो ठीक है so, सो ये आ गया आपका आर्टिकल वन नेक्स्ट इज़ आपका आर्टिकल टू दिस इज़ फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अब द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन जब हम यूज़ करते हैं दैट मीन्स भेदभाव नहीं होनी चाहिए अब भेदभाव किन चीज़ों पे होती है सेक्स रेस कलर लैंग्वेज रिलीजन हम खुद देखते हैं हमारे आसपास या प्लेस ऑफ बर्थ जस्ट बिकॉज तू इस जगह का है मैं तेरे भेदभाव करूँगी लैंग्वेज की ओरिएटेड होती है हम इंडियंस को ये देख लीजिए हम कितने यहाँ पे भेदभाव करते हैं नॉर्थ ईस्ट लोगों के towards या सदर्न इंडिया के जो लोग हैं अब मैंने सदर्न इंडिया कहा वहाँ पे टेक्निकली तीन चार languages आपकी आ जाएंगी बट हमने एक सदर्न इंडिया नाम ही दे दिया है सो so ऐसे हम यहाँ पे इंडिया का नहीं वैसे वर्ल्ड ओरिएंटेड में बात कर रही हूँ ये राइट्स वर्ल्ड ओरिएंटेड आपको दिमाग में रखनी कि कंट्रीज के ओरिएंटेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो मेल फीमेल में नहीं रहना चाहिए आपका क्या भी कलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई भी लैंग्वेज हो जस्ट बिकॉज आपका कोई माइनॉरिटी रिलीजन है कहीं पे तो आप पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सो so, ये राइट उसके लिए बात करता है आर्टिकल थ्री बात करता है लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन ऑफकोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब तक मेरी लाइफ ना हो लिबर्टी क्या हो गया एबसेंस ऑफ एनी रेस्ट्रेंड दैट मीन्स मैं जिस हिसाब से लाइफ रहूं उस मेरे को वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए अब आप इसको पढ़ते रहिए जो लास्ट के इसके तीन सेक्शन है वो काफी आपको <coughs> सॉरी वो काफी आपको क्लियर करेंगी कि क्या ये जो जितनी भी राइट्स हम बात कर रहे हैं क्या इनमें कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि नहीं देखिए जो बेसिक ह्यूमन नेचर होता है उसमें तो जो मेरे बेसिक ह्यूमन नेचर है ये जो बेसिक मैं रोज़ के काम करती हूँ जो मेरे को अपनी लाइफ लीड करनी है उसमें तो कोई रुकावटें होनी नहीं चाहिए ठीक है नाउ लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव है दैट मीन्स देखिए एक स्लेव ट्रेड की हम बात करते थे स्लेव ट्रेड का यहाँ पे होता था दैट मीन्स uh, अगर आप देखिए ब्लैक्स को कलर का, का वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट जो ब्लैक्स है जिसे हम अफ्रीकन उनको बोलते हैं उनको बहुत स्लेव्स बनाया गया था अमेरिका में या अफ्रीका में काफ़ी अफ्री सॉरी फ्रेंच और बेल्जियम रूल था फ्रांस और जो बेल्जियम कंट्री है दोनों यूरोपियन कंट्रीज उनका रूल था उनकी हालत ऐसी की जाती थी कभी कभी कि वो काम करते थे और उनके हाथ काट दिया जाते थे सो वहां पे स्लेवरी उनसे काम करवाना तो ये इसके रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं आपका आर्टिकल फाइव क्या है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर कोर्स जब हम टॉर्चर की बात करते हैं इसमें हमें क्रूअल्टी याद आती है इसमें हमें इनह्यूमन ट्रीटमेंट जब हम बात करते हैं कितने गंदे हिसाब से मुझे ट्रीट किया जा रहा है उन सब की बात होती है और अननेसेसरी पनिशमेंट की हम बात करते हैं बे दैट मीन्स क्रूलिटी गाइज कैन बी एनी थिंग फिजिकल क्रूलिटी हो सकती है मेंटल क्रूल्टी हो सकती है आपको मैं इतनी गंदी कंडीशन में रख रही हूं इनह्यूमन ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं वो उससे आपको आज़ादी मिलना उसके अगेंस्ट आपकी राइट right जो है ये आर्टिकल उसके रिलेटेड बात करता है लेट्स मूव अहे दैट इज आर्टिकल सिक्स रिकोगनेशन एज पर्सन बिफोर लॉ देट मीन्स कोई भी इंसान उनका राइट है कि वो लॉ के सामने लॉ के सामने कोई भी हो सी वर्ड इज पर्सन इस पर फोकस करिए पर्सन कैन बी एनी वन वो एक सिटीजन हो सकता है सॉरी वो एक सिटीजन हो सकता है सिटीजन हो एक स्टूडेंट हो एक टूरिस्ट हो एक इमिग्रेंट हो ठीक है तो वो कोई भी होता पर्सन और रिगार्डलेस वो किसी भी चीज को बिलोंग करे उसका हक है कि वो रिकोगनाइज एज अ पर्सन हो बिफोर द लॉ नेक्स्ट आपका uh, बात करते हैं आर्टिकल सेवन की इक्वालिटी बिफोर लॉ गज अगर आप में से किसी ने पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा हुआ है तो आपको काफ़ी इसमें चीज़ें सिमिलर दिखेंगी विच इज़ ट्रू ये करेक्ट है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे हर कंट्री के फंडामेंटल राइट्स उस हिसाब से बने हुए हैं कि वो हमारे यू इनको इफेक्ट ना करे या मैं इसको अलग तरीके से बोल सकती हूँ हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उनका जो बेस है जो उनका ये दैट मीन्स uh, इस हिसाब से चलनी चाहिए ठीक है तो यू में जो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आप बोलोगे यार इक्वालिटी तो फंडामेंटल राइट्स में मैंशनड है ये आप बोलोगे <coughs> प्राइवेसी तो वहां पे भी मैं आर्टिकल ट्वेंटी वन में दिस इज ट्रू हम आगे आगे जितना चाहेंगे यू विल अंडरस्टैंड काफी चीजें सिमिलर मिलेंगी बट दिस इज वेर वी ड्रॉ अ डिफरेंस यू डी एच आर ओवरऑल यहां पे कंट्रीज ओरिएंटेड बात करता है वर्ड पर्सन पे फोकस करता है आप इरिस्पेक्टिव कोई भी हो नाउ आर्टिकल सेवन बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ कोई भी इंसान वो इक्वल है बिफोर लॉ और उसके दैट uh, मीन्स उसकी अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी उसको मिलना चाहिए दैट मीन्स वो चाहे मैं हूं या कोई अमीर बाप का बच्चा है उसको जो सामने वो प्रोड्यूस हो रहा है कोर्ट के सामने लॉ इक्वली हम पे अप्लाई होना चाहिए अगर हम दोनों ने सेम ऑफेंस किया है ओके okay? इसमें कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट इज आपका ओके आर्टिकल एट बात करता है राइट सॉरी रेमेडी बाई ट्रिब्यूनल गाइज इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स किसके अगेंस्ट कोई भी कभी कोई केस फाइल होता है उसका हक है उसका अधिकार है वो एक प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन राइट right है उसकी एक राइट right है बेसिक ह्यूमन राइट भी है उसकी कि वो एक कोर्ट के सामने अपेयर हो और अपना केस डिफेंड कर सके सिंपल ओके कई सब देखिए नोट करिए यहाँ पे जितने भी हम राइट्स पढ़ रहे हैं इक्वालिटी के बाद ट्रिब्यूनल आ गया कोर्ट के रिलेटेड फिर अरेस्ट हेयरिंग गिल्टी सो एक पैटर्न बन रहा है ये आपके लिए इजी भी बन सकता है इसको सेग्रीगेट आप इजीली कर सकते हैं कि अच्छा अगर अरेस्ट के रिलेटेड बात हो रही है कोर्ट के रिलेटेड बात हो रही है देखिए जैसे इलेवन है ऑफकोर्स वी विल डिस्कस इट प्रूवन गिल्टी गिल्टी तो कोर्ट ही डिक्लेयर करता है तो ये एक साथ ये राइट सारी है इसके बाद कुछ और नेक्स्ट होगा सो so आप इस हिसाब से भी यू कैन टेक आउट ट्रिक्स टू रिमेंबर सर्टन थिंग्स नेक्स्ट इज आर्टिकल नाइन फ्रीडम फ्रॉम आर्बिटरी अरेस्ट दैट मीन्स अननेसेसरी विदाउट एनी राइम एंड रीजन किसी आपको कोई लॉजिक ना बताओ कि किस हिसाब से आपको अरेस्ट किया है डिटेंशन आपको देखिए अरेस्ट क्या होता है आप पुलिस आपके घर पे आती है आपको अरेस्ट करने वो आपको बोलती है उनका मतलब ये आपका राइट right है एज एन इंडिविजुअल कि वो आपको बोले कि आपको इन ऑफेंसेस पे अरेस्ट किया है आपका एक और अधिकार है कि आपको विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए देन आपका एक और अधिकार है कि फ्री लीगल काउंसिल भी आपको मिले ठीक है डिटेंशन तब होता है जब पुलिस को लगे कि नहीं भाई ये लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं आप देखिए हमारे कितने पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ जब हम वर्ड डिटेन यूज करते हैं उनको कुछ देर के लिए पुलिस हिरासत में रखती है सो दैट उनको लगता है कि नहीं इन इस एरिया में शायद कल को राइट हो जाए शायद वायलेंस इरप्ट हो जाए तो इनको थोड़ी देर के लिए उठा लेते हैं बंद कर लेते हैं <coughs> तो दैट इज हाउ द वर्ड डिटेंशन इज यूज तो ये आपका हक है आर्टिकल टेन आपका क्या आ गया फेयर पब्लिक हियरिंग ओके दैट मीन्स हर एक इंसान के पास ये दैट मीन्स एक इक्वालिटी एक राइट right है पब्लिक हियरिंग एक <coughs> जिसको हम कोर्ट को हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो और इमपार्शल हो इंडिपेंडेंट और इमपार्शल मतलब दैट मीन्स सरकार का सबसे बड़ा जो आ, ये प्रेशर होता है गाइस वो सरकार की तरफ से आता है या किसी और की तरफ से सपोज कोई बिग बिजनेसमैन आ गया वो नहीं चाहता है कि भाई ये छोटे वाले जो ट्रेडर्स है इनके हक हाँ में कोई है, फैसला आए सो इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि uh, उनको वो उस हिसाब से हेयरिंग मिले देन द नेक्स्ट इज इनोसेंट अंटिल प्रूव इन गिल्टी ओके ये है एवरी जिसको यू नो बेसिक आपका अधिकार इसमें माना चाहता है कि दैट मीन्स एक ट्रायल होता है देखो आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल हो गया एक ट्रायल चला जो हम कोर्ट में देखते हैं तारीख पे तारीख एक केस ट्रायल चल रहा है ट्रायल जब खत्म हो गया उसके बाद कोर्ट एक जजमेंट पास करती है ठीक है उसमें या वो आपको कन्विक्ट करती है दैट मीन्स दोषी या एक्विट करती है द वर्ड इज एक्विट दैट मीन्स निर्दोष है आप So that, ये आर्टिकल बोल रहा है कि जब तक आपको गिल्टी प्रोनाउंस नहीं किया जाए तब तक आप एक इनोसेंट हो सिंपल आर्टिकल 12 बात करता है प्राइवेसी के रिलेटेड ऑफ कोर्स हर इंडिविजुअल का हक है कि उसको एक प्राइवेट लाइफ मिले वो फैमिली हो देखो कोई अपने बेडरूम में क्या करे अपनी फैमिली लाइफ में क्या करे अंटेन मेरी लाइफ में उसे इफेक्ट ना हो इट शुड नॉट बी कंसर्न बट हमें उंगली करने की आदत है इसलिए हमें सामने वाले के घर पे क्या हो रहा है उसके देश में क्या हो रहा है इसके मोहल्ले में क्या हो रहा है वी आर इन अ हैबिट और हम उसको एक सोसाइटल इशू बना लेते हैं नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ठीक है अब देखिए मैं थोड़ा पीछे ले जाती हूँ प्राइवेसी के बाद आ गया मूवमेंट असाइनम नेशनैलिटी दिज आर ऑल कनेक्टेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या हो गया दैट मीन्स आप कहीं भी जा सकते हो कहीं भी रिसाइड भी कर सकते हो किसी कंट्री में ओके okay, कहीं जा सकते हो आपका हक है कि आप अपनी कंट्री छोड़ के जाओ दूसरी कंट्री में रहो और फिर वापस भी आओ घर वापसी ठीक है आप फिर वापस भी आइए ये आपका हक है आपका अधिकार है बट इसमें ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्शंस की मैं बात करूं ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ आपको लगेगा कि आ, शायद पूरे आर्टिकल में लिखा है नहीं कहीं देखिए यूरोप में एक टाइम पर मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है एक टाइम पे बहुत आ, बहुत बार आ, होता था कि काफ़ी डकेज से वो लोग बोलते थे आइए हमारे देश में रहिए इमिग्रेंट्स आइए रहिए अब उनकी ऐसी हालत हो गई नाउ दे डोंट वांट वो नहीं चाहते हैं कि यू नो इमीग्रेंट्स आए और उनका माहौल उनकी सोसाइटी में इंटरफेयर करे सो so, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी लॉज ऐसे बन रहे हैं उनकी सरकारें ऐसे लॉज बना रही है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो रही है कि बाहर के लोग थोड़े कम आए मतलब थोड़ा जिसको कहते हैं कि रूल्स थोड़े हार्ड बना दिए इजीली उनको सिटीजनशिप ना मिले सो so, उस टाइप से कंट्रीज़ कर सकती है अपना कंट्री का सॉवरिटी बचाने के लिए अपनी कंट्री का यू नो रूल ऑफ़ लॉ बचाने उनको लग रहा है कि यहाँ का क्राइम रेट बढ़ रहा है फॉर वॉट एवर रीजन ये तो मैं आपको रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूं बट ऐसा हुआ है यूरोपियन कंट्रीज में सो लेट्स मूव अहेड अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल फोर्टीन की असाइलम ठीक है ओके असाइलम वर्ड हमने बहुत बार यूज किया है असाइलम का मीनिंग है कि मेरे को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम अरेस्ट या एक्स्ट्राडेशन इस ये ज़्यादा उन लोगों के लिए यूज़ होते हैं जिनको हम पॉलिटिकल रिफ्यूजीज की बात करते हैं आप गाइज अगर आप में से कितने लोगों को पता है दलाई लामा कौन है उन्होंने भी एक टाइम पे आई वुड से अर्ली फिफ्टीज़ में या इंडिया में असाइलम लिया था आज के टाइम पर कोर्स हम जानते हैं कि वो धर्मशाला में रहते हैं तो यहाँ पर उनको असाइलम दिया गया था काफ़ी बार कंट्रीज में क्या होता है जैसे मैं आपको यूएस और रशिया का एग्जाम्पल दे देती हूँ रशिया में वी नो व्लादिमिर पुतिन उनका प्रेजिडेंट है ही इज़ वेरी पावरफुल तो वहाँ पर सामने कोई ऑपोजिशन लीडर आता ही नहीं वी डोंट इवन नो द नेम ऑफ एनी ऑपोजिशन लीडर कोई किसी की हिम्मत कभी बन जाती है या बेचारे का मर्डर हो जाता है या कभी वो डिक्लेयर करता था कि आई वोंट कंटेस्ट कभी यूएस क्या कर सकती है अगेन गिविंग एन एग्जांपल वो उनको असाइलम दे सकती दैट मीन्स वो सरकार के अगेंस्ट कुछ स्टैंड ले रहा है वो बोल सकती है आ जा तू मेरी कंट्री में रह ले एज अ रिफ्यूजी सो दैट हम तेरे को हक भी देंगे हम तेरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे uh, रशिया की पुलिस से उनकी सरकार से कल को तेरे अगेंस्ट कुछ हो ना जाए तेरी लाइफ में खतरा हो कुछ हो उस हिसाब से आर्टिकल 15 बात करता है नेशनैलिटी की ऑफकोर्स एज अ वर्ड सजेस्ट हर इंसान का हक है कि उसको एक नेशनैलिटी मिटे राइट टू अ नेशनैलिटी ठीक है किसी भी तरीके से उसकी नेशनैलिटी नहीं लेनी चाहिए वापस नहीं लेनी चाहिए ना उसको डिनाई होना चाहिए कि उसकी नेशनैलिटी वापस ले ठीक है नेक्स्ट इज मैरिज एंड फैमिली ओके वेरी इंटरेस्टिंग मैन एंड women ऑफ फुल एज दैट मीन्स लीगल एज हर कंट्री की जो भी मैंशन है इंडिया में एटीन वुमेन के लिए है ट्वेंटी वन मर्दों के लिए है दे हैव अ राइट उनका हक है कि वो किसी से भी कहीं भी शादी करे उसमें कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए मैरिज किसी से भी रहे इक्वल राइट्स है उनके पास और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो है जो ये मैरिज भी हो रही है वो आपकी फ्री और फुल कंसेंट द वर्ड इज कंसेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कंसेंट दैट मीन्स आपने हाँ बोला है वो शादी के लिए नहीं है जबरदस्ती करवा रहे हैं दैट इज वॉट कंसेंट मीन्स फ्री एंड फुल कंसेंट ओके सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल आर्टिकल सेवनटीन बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफकोर्स सबका हक है कि वो एक प्रॉपर्टी ओन करे उसको किस हिसाब से मैनेज uh, भी करे बट किसी का हक नहीं बनता है कि वो सामने वाले की सामने वाले को डिप्राइव करे या उसके हक में जो प्रॉपर्टी है वो वापस ले फ्रीडम ऑफ बिलीफ ओके फ्रीडम ऑफ बिलीव जब भी हम वर्ड यूज करते हैं इट इज कनेक्टेड विद हमारा द वर्ड रिलीजन ओके रिलीजन से हम बात करते हैं इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट कॉन्शियस रिलीजन देखिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अगर कोई हिंदुइज्म में बिलीव करता है वो शायद बिलीव करके मुझे हर मंडे पूजा पाठ करने जाना है वो शायद बिलीव करे मुझे रोज़ पूजा पाठ करने जाना है वो शायद रोज जाने पे ना बिलीव करे बट उसको उसको जिसको कहते हैं भगवान पे भरोसा हो देर आर पीपल जिनको नहीं है सो so जिसको जैसे रहना है जिस हिसाब से रहना है बिलीव करना है नहीं करना है वर्शिप करना है प्रैक्टिस करना है वो कर सकता है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अगेन आप देखिए ये जो दो आर्टिकल्स हैं दे आर वेरी मच कनेक्टेड हमारे फंडामेंटल राइट्स के भी ठीक है कनेक्टेड मतलब नंबर भी सेम है इनका एक्चुअली फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन दैट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ किस हिसाब से बोल रही हूँ कि मेरा हक है मेरा अधिकार है मेरा ओपिनियन रखना हम काफ़ी लोगों को देखिए अपने घर पे देखिए uh, कैसे औरतों को स्पेशली आई एल बी वेरी ऑनेस्ट औरतों को बोला जाता है तू तो किस हिसाब से बोल रही है औरतों का हक नहीं है बोलना फैमिली इशू में नहीं बोलिए घर के डिसीजन में नहीं बोलिए सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर होम ये प्रॉब्लम हमारे होम से शुरू होती है फिर ये आगे आगे सोसाइटी में बढ़ती है कंट्री एंड देन इट बिकम्स एन इंटरनेशनल इशू कल को एक बड़ी कंट्री बोलेगी कि तू छोटी कंट्री कौन है मेरे को बताने के लिए कि मेरे को अपने राइट्स कैसे यूटिलाइज़ करने चाहिए मेरे को अपनी कंट्री में माइनॉरिटीज़ या किसी और को कैसे ट्रीट किया जाए आर्टिकल 20 बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली दैट मींस जब हम असेंबली की बात करते हैं टू दैट मीन्स टू फॉर्म एसोसिएशन इज समथिंग बट द की वर्ड हियर इज पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन पीसफुल इज अ वर्ड ऐसा नहीं है कि मैं हथियार लेके बैठ जाऊं यहां पे नहीं भाई आपने बोला भाई फ्रीडम ऑफ असेंबली है तो इसलिए नहीं विदाउट आर्म्स शन मेरे साथ ना हो गोलियां ना पिस्टल ना बॉम्ब ना पत्थर कुछ मेरे साथ हो एंड एवरी वन ये सबके पास राइट है नेक्स्ट इज आपका ट्वेंटी वन फ्रीडम टू टेक पार्ट इन द गवमेंट दैट मीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका हक है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वोट या थ्रू एनी अदर थिंग कि उसका हक है <coughs> सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना और उसको वहां पे पार्लियामेंट हो आपका म्यूनसिपैलिटी हो आपका असेंबली हो वहाँ पे उसको बिठाना ये आपका हक है या इक्वल एक्सेस की जब हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस में ठीक है मेरा भी उतना ही हक है और ये बात करता है जो विल ऑफ द पीपल है इवेंचुअली कंट्री को उसी हिसाब से चलना है जो विल ऑफ द पीपल जाता है विल ऑफ द पीपल हमें कैसे पता चलेगा अगर मैं टाइमली इलेक्शंस नोट कंडक्ट कर रही हूँ अपनी कंट्री में अब 2024 में इंडिया में इलेक्शन है अगले पांच साल के बाद फिर टाइमली इलेक्शन होने चाहिए अगर टाइमली इलेक्शंस हो रहे हैं प्रॉपर वोटिंग मैकेनिज्म हमारी कंट्री में चल रहा है तो वो एक इंडिविजुअल को आपको मेरे को एक हक दे रहा है इलेक्शंस ओरिएंटेड ओके नेक्स्ट आर्टिकल हम सबका फेवरेट आर्टिकल है रेस्ट एंड लेजर सॉरी आर्टिकल ट्वेंटी टू मुझे बहुत जल्दी थी रेस्ट एंड लेजर की आर्टिकल ट्वेंटी टू सोशल सिक्योरिटी की बात करता है दैट मीन्स सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं देखिए ये काफ़ी अगर मैं आपको अमेरिका एग्जाम्पल दूँ वहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर देते हैं ठीक है वो एक हर सिटीजन को नंबर दिया जाता है उसी हिसाब से टेक्निकली गवर्नमेंट आपको यू uh, नो you know, देखा जाए प्राइवेसी ओरिएंटेड भी फॉलो कर रही है देख रही है कि आप क्या कर रहे हो बट एक सिस्टम है जहाँ पे सरकार उसी हिसाब से सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल को नंबर पैसे भी देती है और उसी हिसाब से दे मेक श्योर sure कि रिसोर्स uh, है स्टेट के वो आपको पहुँचे अफकोर्स हम यहाँ पर आधार का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आर्टिकल 23 बात करता है आपका फ्रीडम टू वर्क कोर्स आपका हक है आप कहीं भी कैसे भी uh, Uh, काम करे कहीं भी काम करे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है दैट मीन्स यहाँ पे मैन और वुमेन की राइट्स के बारे में बात करूंगी जिसको जैसे काम करना है दोनों को इक्वल मिलना चाहिए अगर दोनों एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ठीक है देन वर्क में क्या होता है हमने ट्रेड यूनियंस का नाम सुना होगा ठीक है आपने देखा है कभी फार्मर्स ओरिएंटेड काफ़ी ट्रेड यूनियंस बनते हैं देन लेबर्स के बनते हैं बहुत सारे उनका हक है कि वो उस हिसाब से ट्रेड यूनियंस भी बनाएं एक फार्मर यूनियन रहता है एक और भी काफ़ी यूनियन रहते हैं वो उस हिसाब से बनवाएं नेक्स्ट इज रेस्ट एंड लेजर ऑफ कोर्स लाइक ए सर मुझे बहुत जल्दी थी यहाँ पे पहुंचने की रेस्ट एंड लेजर एज अ नेम सजेस्ट दैट मीन्स एक लिमिटेशन में आपसे काम करवाया जाए जिस संडे का हम बहुत देर से इंतज़ार करते होते वो भी मेरा हक़ है एक दिन मुझे रेस्ट मिलना चाहिए या अगर नेशनल हॉलीडेज़ हो मुझे उस पर रेस्ट मिले एक छुट्टी मिले सो so दैट वो छुट्टी नहीं होती देखो मेरा हक है कि मैं इतने घंटे काम करूँ अगर मेरी नाइन टू तो फाइव जॉब है या नाइन टू सिक्स जॉब है जो भी डेजिग्नेटेड है तो मैं उतने घंटे में काम करूँ बिकॉज़ इंसान सिर्फ पूरा टाइम काम नहीं कर सकता है उसको जिसको कहते हैं एक मिलना भी चाहिए एक टाइम मौका एक फ्री टाइम सो दैट इसको रेस्ट और लेजर भी मिले ही कम्स बैक फ्रेश जिसको हम बोलते हैं हॉलीडे से फ्रेश होकर आया लास्ट के पांच छः आर्टिकल्स है इसको जल्दी से कर लेते हैं आर्टिकल ट्वेंटी फाइव क्या है फ्रीडम टू हैव एडिक लिविंग स्टैंडर्ड क्या इस लिविंग स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं प्लीज अंडरस्टैंड इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती है इसमें हम आपकी हेल्थ के रिलेटेड बात करेंगे वेलबींग well के रिलेटेड बात करेंगे फूड क्लोथिंग जो बेसिक आपका रोटी कपड़ा मकान है अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड बात करेंगे सिकनेस के रिलेटेड बात करेंगे डिसअबिलिटी के रिलेटेड बात करेंगे या अगर मैं वुमेन का देखूँ कोई विडो है उसका भी हक है उसका भी अधिकार है ठीक है लिविंग स्टैंडर्ड में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मदर मदरहुड और चाइल्डहुड की बात करें उनका भी अधिकार है कि उनको एक स्पेशल केयर अटेंशन या असिस्टेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है तो उनको भी अधिकार मिलना चाहिए लॉट ऑफ फोकस इज ऑन द वर्ड आउट ऑफ वेड लॉक आउट ऑफ वेड लॉक का मतलब होता है जो बिना शादी के जो कोई बच्चा पैदा होता है उसका भी हक है उसका भी अधिकार है ऑफकोर्स हमने टी वी सीरियल्स और बकवास मूवीज देखे हमने ऐसा ऐसा देखा है कि हमें लगता है कि उनका हक नहीं है बट नहीं भाई उस बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है वो उन पेरेंट्स की अपनी सिर खपाई है बट उस बच्चे का भी हक और अधिकार ऐसा ही है जो एक जिसको कहते हैं एक लीगल लीगल तरीके से बच्चा पैदा हुआ दैट मीन्स फ्रॉम वेड लॉक छब्बीस की बात करता है ऑफ कोर्स राइट टू एजुकेशन है ये फ्री एजुकेशन uh, की बात करता है और यहाँ पे फोकस किया गया है कि कम से कम आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री हो दैट मीन्स जो बेसिक आपका एलिमेंट्री स्कूल का रहता है फ्री uh, हुआ दिस रिमाइंड्स में हमारा जो इंडिया का आर्टिकल 21 ए है जहां पे हमने फ्री एजुकेशन की बात की है फ्रॉम सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के बच्चों की ये बहुत उससे कनेक्टेड है इसमें आपको एजुकेशन अगेन इज़ अ वेरी बिग वर्ड आज के टाइम पे आपको कंप्यूटर स्मार्ट भी होना चाहिए ए स्मार्ट भी ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कितना कुछ रहता है यार कोडिंग वगैरह रहता है एजुकेशन का ओवरऑल गोल क्या है एक ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करना एक टॉलरेंस उसमें लाना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसमें लाना कि वो समझ सके हम क्यों बोलते हैं ये पढ़े लिखे इंसानों की तरह बात नहीं करता वो दूसरी बात है कि आजकल पढ़ा लिखा गवार भी होता है जिसको नहीं पता है कि उस एजुकेशन को मैं अपनी डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज करूं आर्टिकल 27 बात करता है पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ दैट मीन्स मैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग कर रही हूँ मेरे अपने कुछ कल्चरल राइट्स हैं फंक्शंस हैं कुछ फेस्टिवल्स हैं मैं उनको किस हिसाब से आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करूं या कैसे फेस्टिवल्स को प्रमोट करूं उस हिसाब से आर्टिकल 28 बात करता है ध्यान से सुनिए सोशल ऑर्डर कि हर एक इंसान एंटाइटल्ड है सोशल और इंटरनेशनल ऑर्डर की इन विच जो ये राइट्स है जो भी हमने राइट्स अभी तक तो ऊपर से पढ़ी है वो डिक्लेरेशन की पूरी पूरी ठीक से यूटिलाइज हो सिंपल यूटिलाइज हो नेक्स्ट इज म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अब जो हमने लाइक आई सेड हमने जो ऊपर से नीचे तक राइट्स पढ़ी है ये तीन आर्टिकल उनको कुछ स्पेशल फोकस दे रहा है ध्यान से सुनिए आर्टिकल 29 म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है अगर मैं अभी से सॉरी आर्टिकल 1 से ट्वेंटी 27 तक <coughs> अपने सब राइट्स की बात करी आर्टिकल 29 मुझे बोलता है कि लिसन तुमने सारे हक तो अधिकार तुम्हें सारे हक और अधिकार मिल गए पर तुम्हारी अब कुछ ड्यूटी भी रहती है दैट इज़ वाई द वर्ड म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं टूवर्ड्स कम्युनिटी अपने या सोसाइटी ऐसे फंक्शन करूँ कि सामने वाले की राइट इन्फ्रेंज ना हो अब मैं अगर बोल रही हूँ कि फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन मैं किसी के घर के बाहर क्यों नारेबाजी करूँ उसके कोई लेना देना नहीं मैं क्यों किसी के uh, अद, किसी के अधिकार है एक जॉब लेना उसको प्रॉपर सर्कमस्टांसिस के हाथ से लू ठीक है सो द वर्ड हेयर इज सिक्योरिंग और रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को सिर्फ मैं मांग नहीं सकती हूँ मुझे रिस्पेक्ट देना भी है एक पब्लिक ऑर्डर एक जनरल वेलफेयर जो हम सोसाइटी की बात करते हैं उसके लिए आपके लिए राइट्स और ड्यूटीज दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगी वो जो व्हाट्सएप का इमोजी रहता है वो हैंडशेक वाला अगर मुझे आता बनाना तो मैं वही बनाती दैट इज अ परफेक्ट इमोजी कि मैं वो इस आर्टिकल को डिस्क्राइब कर सकूं ठीक है अब जो लास्ट है आपका फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और पर्सनल इंटरफेरेंस ये सीधा बोल रहा है कि कोई भी डिक्लेरेशन या राइट right जो इसमें मेंशन है वो कोई भी स्टेट या पर्सन आपसे ले नहीं सकता है इसलिए द वर्ड इज स्टेट ठीक है स्टेट या कोई ग्रुप या कोई पर्सन ऐसे हो कि वो आपके हक आपका अधिकार वो ले ना सके क्योंकि हमने इतनी राइट्स की बात की एंड प्लीज अंडरस्टैंड यहां पे सब सरकारें थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी है अपने फंडामेंटल राइट्स बनाई हैं कुछ सिटीजन्स के लिए बनी है कुछ पर्सन के लिए बनी है वो उस हिसाब से बनी गई है कि एक पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन कर सके आर्टिकल <coughs> थर्टी यही बोल रहा है कि कोई ये कोई ऐसा अधिकार ऐसा जो राइट्स हमने ऊपर से लेके नीचे तक मेंशन की है उसका कोई डबल मीनिंग ना निकाल दे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दी ऐसा मीनिंग ना निकाल दे कि स्टेट बोल दे सरकार बोल दे या कोई ग्रुप बोल दे नहीं 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 ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है अब तो मैं इसकी राइट वापस ले लूँगा मैं नहीं इसको ये राइट दूंगा मैं इसको अरेस्ट करूँगा अननेसेसरी अरेस्ट करूँगा ओके सो गाइस ये हमारा था आज का सेकंड लेक्चर आई होप ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ा है आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए जस्ट अ क्विक अपडेट हमारा सुपरवाइजर कोर्स प्लस जो हमारा ऑनलाइन फॉरेस्टर कोर्स चल रहा है इट इज़ अवेलेबल बहुत ही रिसेंटली अपडेटेड लेक्चर्स है इसमें एंड अब हम जल्दी ही इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे प्लीज़ गो फॉर इट, बाय दिस कोर्स इट विल हेल्प यू अ लॉट ओके सो गाइज थैंक यू सो मच कल फिर मिलते हैं वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ बाय बाय